एंड ऑल ऑफ यू, आज मेरा नाम है आरव शर्मा। आज मैं आपको कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कविता में सबका जीवन। कविता खुशबू का झोंका, कविता है रिमझिम सावन, कविता है प्रेम की खुशबू, कविता है रंग में गगन, कविता सांसों की गति है, कविता है दिल की धड़कन, हंसना रोना मुस्कुराना कविता में सबका जीवन। कविता सूर के पद हैं, कविता तुलसी की माला, कविता झूमती गाती है कवि बच्चन की मधुशाला, कविता में सबका जीवन। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है अपितु शर्मा। आज मैं आपके सामने कविता सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है आओ मिलकर पेड़ लगाएं। आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं, वातावरण को स्वच्छ बनाकर इस जीवन को स्वस्थ बनाएं। पेड़ न कोई कट नहीं पाए, जंगल अपना घट नहीं पाए, हम सब मिलकर कसम लिखाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, खुश समझे और रोग बताएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हर एक का फर्ज है बनता, कम से कम एक पेड़ लगाएं, पर बनते प्रदूषण पर आओ मिलकर रोक लगाएं, आओ मिलकर पेड़ लगाएं, हरा भरा ये देश बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया शर्मा है, मैं यूकेजी डेढ़ में पढ़ता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है कोरोना वायरस। मिलकर कोरोना को भगाना है, घर से हमें कहीं नहीं जाना है, हाथ किसी से नहीं मिलाना है, चेहरे पर हाथ नहीं लगाना है, बार बार अच्छे से हाथ धोने जाना है, सैनिटाइज करके देश को स्वच्छ बनाना है, बचाव ही इलाज है ये समझाना है, कोरोना से हमें नहीं घबराना है, देश हित में सभी को ये कदम उठाना है। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम है पावितू, मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरी कक्षा है यूकेजी। मेरा विद्या है कोशिश करने वालों हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चलती दीवारों पर सौ सौ पैर फिसलती है, मन का उत्साह जो रगों में पड़ता है, चढ़ कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खलता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, उसकी बिना ही जजे कार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, मेरा नाम निमित करमान है, मैं यूकेजी जेड की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है गरीबी। गरीबी भी क्या गजब होती है, बड़ी बेदर्द बेदिल हाय होती है, खुशियों को तो हर कोई बांट लेता है, पर किसी के गम को बांटना इतना आसान नहीं होता। किसी जरूरतमंद की मदद करना इंसानियत है, पर ये किसी पर कोई एहसान नहीं होता। एक बच्चा सड़क के किनारे बैठा कुछ सोच रहा था, क्या गरीब बच्चों के दिल में कोई अरमान नहीं होता। गरीबी परिंदे भी लौट आते हैं अपने बसेरे की ओर, परिंदे भी लौट आते हैं अपने बसेरे की ओर। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास मकान नहीं होता। धन्यवाद। मेरा नाम है नवप्रीत कौर, पर मैं यूकेजी कक्षा की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने माँ के ऊपर कविता सुनाने जा रही हूँ।
घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पे खड़ी हुई, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ी हुई, काला टक्कर तू लाई आज भी सब कुछ वैसा, मैं ही मैं हूँ हर जगह प्यारे तेरा कैसा है, सीधी सादी बोली मैं ही सबसे अच्छी हूँ, जितने भी हो जाऊँगा आज भी तेरी बच्ची हूँ, बाबिन जीवन है अधूरा खाली का, सुना सुना खाना पहले हमें खिलाते बाद में वह है खुद खाते, हमारी खुशी में खुश हो जाती हमारे दुख में आंसू बहाती, हम कितने खुश नसीब हैं हम हमारे पास है माँ, कितने बदनस होते हैं वो जिनके पास ना होती माँ, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज देवज गांधी, टुडे इज 22nd May 2020 एंड डे इज फ्राइडे एंड वेदर इज सनी एंड हॉट। थैंक यू। मेरे प्रिय दोस्तों शिक्षक नमस्ते, मैं वेरोनिका यूकेजी 8 की छात्रा हूँ, आज मेरी कविता का शीर्षक है खुद पर कर्फ्यू लगाए, खुद पर कर्फ्यू लगाए COVID-19 को और ना फैलाए, घर से ही काम चलाए, अपने मित्रों को ही यही समझाए कि मिलने घर ना आए, बच्चों के हाथ बार बार धुलवाए, बुजुर्गों को यही समझाए घर से बाहर ना जाए, समझ बूझ को अपनाए, अफवाहों से बच्चे और बचाए, एक दूसरे से दूरी बनाए, जिम्मेदार भारतीय बन के दिखाए, इस महामारी पर विजय पाए, धन्यवाद कंस शिविर। मेरे प्रिय दोस्तों एवं शिक्षक नमस्ते, मैं प्रियंका UKG 8 की छात्रा हूँ, आज मेरी कविता का शीर्षक है छोटी सी आशा, पीती हूँ मैं किसी को पिलाती हूँ, कुदरत की दीवानी हूँ उसी से शीशा पाती हूँ, काटू ना पेड़ कभी नए जरूर लगाती हूँ, करवा के आजाद पंछियों को बड़ा सुकून पाती हूँ, अपने हिंसा स्वार्थ की खातिर नामासूमों को बलि बनाती हूँ, जल है जीवन का आधार उसी से हर संभव बचाती हूँ, पर्यावरण के वैरी प्लास्टिक से मैं ना यारी निभाती हूँ, मेरे चले जल है चले आप भी मेरे नक्शे कदम पर, यही आप सबसे चाहती हूँ, धन्यवाद। तुम्हें शुभ रात्रि।